हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव। आज मैं आपको लिट्टी बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैं सबसे पहले बेसन में जो है मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। उसके बाद उसमें धनिया पत्ती डाला है मैंने, और इसमें मैंने थोड़ा सा अचार भी डाला है नींबू का, जिससे इसका खट्टापन आता है, इसका टेस्ट इससे बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें जो है सरसों का तेल ऐड करेंगे। नमक इसमें हम ऐड करेंगे और सबको अच्छे से हम मिला देंगे। देखिए हमारा जो है ये सत्तू का तैयार हो चुका बैटर, जिसको हम इसमें डालेंगे। अब हम इसके लिए मैदा गूंथ लेते हैं। इसमें मैंने आटा में थोड़ा सा मैदा मिलाया है, हाफ आटा और हाफ मैदा का मैंने यूज़ किया है। अब इसमें हम जीरा भुना हुआ डालेंगे। मैंने घर में जीरा को भून करके उसका पीस कर लिया है, और नमक डालेंगे, रिफाइंड ऑयल डालेंगे, और इन सबको अच्छे से मिलाकर हम अब हम सान लेंगे, इसको गूथ लेंगे। इसको सबसे पहले मिलाकर इसमें धीरे धीरे हम पहले पानी ऑयल ऐड करते हुए जिसको भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से जो है पानी धीरे धीरे डालते हुए गूंथेंगे, जिससे कि ये गीला ना हो। और ये देखिए हमारा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब हम चीज़ को भरते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बेल लेंगे और उसमें थोड़ा सा जो है डाल करके, और इसको चारों साइड से उसको ऐसे ऐसे करके टैप कर देंगे, और इससे करके सारा बना लेंगे हम। और इस मैंने एक न्यू ट्रिक इसको बनाया है। सबसे पहले पानी को बॉईल करेंगे और उसमें जो है बने हुए लिट्टी डाल देंगे। इससे क्या प्रॉफिट होता है कि इससे ऑयल भी कम ऑब्जर्व होता है और जल्दी पक जाता है। और ये इसको अब हम निकाल लिए हैं। अब इसको जो है हम अब तेल में इसको हम फ्राई करेंगे। हम पानी में ज़्यादा देर नहीं रखना है, सिर्फ 2 मिनट रखना है, उसके बाद हम इसको लाल होने तक फ्राई करेंगे। ये सब अच्छे से लाल हो चुका है, इसको अब हम निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा बनके लिट्टी तैयार है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको मेरी लिट्टी कैसा लगा। कीप वॉचिंग।